बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, अभी अभी हमने चौथे सागर की बहुत ही सुंदर चर्चा श्री राजन स्वामी जी के मुखारविंद से सुनी। आइए अब हम सुंदर साथ जी के भाव, उनको सुनकर उनके हृदय में क्या आए उनसे सुनते हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, केवल 5-5 मिनट हम सुंदर साथ लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ पार्टिसिपेट कर सकें। हाँ जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रफुल्ला बेन। प्रेम प्रणाम जी। आज स्वामी जी बहुत गहरी चर्चा की कि क्या गहराई कि हम ब्रह्म सृष्टि इस संसार में आई है तो हमारी गरिमा क्या है और हम क्या बन गई कि सागर सागर की हम लहरें हैं तो लहरों की क्या गरिमा होती हो, क्या कभी सागर से अलग होती है लहरें। स्वामी जी ने हमें ये एहसास कराया कि क्या आप मुझसे अलग हो, नहीं आप तो मेरी अंग स्वरूपा हो, लेकिन आपने तो इस संसार में क्या जान लिया कि आप मेरी अंग स्वरूपा नहीं हो, आप मुझसे अलग हो, क्योंकि हमें परम धाम में धनी ने यही एहसास कराया है कि जब धनी बोले ना अंदर से कि हमारा इश्क बड़ा हमारा इश्क बड़ा, तो धनी ने उसके अंदर से हमारे अंदर बुलवाया कि हमारा इश्क बड़ा नहीं है, धनी ने कहा मेरा इश्क बड़ा है, लेकिन हमने समझा कि मेरा इश्क बड़ा है, लेकिन धनी कह रहे हैं कि जाओ अब देखो कि तुम्हारा इश्क कैसे बड़ा है। तो इस चर्चा के माध्यम से हमें बताया कि तुम गई हो ना वहां करके दिखाओ तुम्हारा इश्क कैसे बड़ा है। आज हमें यही धनी यही कहवा रही है, आज देखो ये लीला रास रास की लीला व्रज की लीला उसमें भी धनी ने हमें वही एहसास कराया, लेकिन ये जागने का ब्रह्मांड कि हक नजीक से हिरग से तुम मेरे कितने नजीक होने वो हमें परम धाम में नहीं पता था, लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में धनी ने हमें हक नजीक से हिरग से बताया। और देखो वो त्रिदेव भी ध्यान करते हैं, पंचवासना भी ध्यान करते हैं, लेकिन वो योग माया से परे नहीं हो सकी, लेकिन हमें तो यहाँ यह भी कह दिया कि तुम्हारा दिल के अंदर में बैठा हूं ना, तुम वहां डुबकी लगा कर मुझे देखो, मैं नहीं कहीं बाहर हूँ नहीं ब्रह्मांड से परे हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ और तुम्हारा दिल ही मैं अरस कर कर यहाँ बैठ गया हूँ, तो तुम हमारे दिल में ही देखो, तुम्हारे दिल में ही मुझे देखो और वहां भी तुम्हारी नख से सिख तक की मेरी शोभा को डूब कर इसका आनंद लो। और जब तक हम सुंदर साथ अपने प्रियतम के श्यामा जी के और हमारे स्वरूप को नहीं देखेंगे ने तब तक हमारी जागनी भी होने वाली नहीं है। इसलिए है सुंदर साथ जी, यह बार बार स्वामी जी हमें चितवनी की ओर प्रेरित क्यों करते हैं, क्योंकि हमें परम धाम की जो सुगंधी है ने वो यहाँ बैठे बैठे हमें महसूस करनी है। इसीलिए ही सुंदर साथ एक दिल के दर्द से राज्य हमें केवल है कि आप मेरी अंग अंग की शोभा में डूबिए डूबिए डूबिए, यही मेरी आवाहन राज्य करते हैं हमें, तो हम सुंदर साथ इसमें डूब जाइए, बस ऐसा ही कहकर मैं प्रणाम। प्रणाम जी, अति सुंदर भाव प्रफुल्ला बेन, अति सुंदर प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, मंडे से यानी सोमवार से रात को 10 बजे भी फेसबुक पर चितवनी लाइव कराए होगी और तब से रोज हुआ करेगी, कल ट्रायल करेंगे तो जरूर सुंदर साथ जी जुड़ेंगे। काफी सुंदर साथ ने आने की वो इच्छा जाहिर की, बहुत दिल को अच्छा लगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। सब पहले तो स्वामी जी ने ये बताया
कि सागर और सिंगार ग्रंथ की जहां पर चर्चा हो रही है वहां पर मेरे सामने मत आए। दूसरा, अपने मोबाइल को बंद रखें, क्योंकि अगर हम मोबाइल में बात करते रहेंगे तो हमारा ध्यान तो मोबाइल में घर गृहस्थी में रहेगा ना, राज्य की तरफ तो नहीं लगेगा, और जो राज्य चर्चा कर रहे हैं उनका भी डाइवर्ट होगा, वो भी ये मतलब उनकी तरफ वो नहीं कर सकेंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि आप प्लीज अपने मोबाइल बंद रखो और सामने मत आओ, और ज्ञान और प्रेम, उन्हें कहा है कि कभी पूर्ण नहीं हो सकता, कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि इतना भी ज्ञान अंदर आ जाता है तो अपने को ये मत सोचो कि मैं पूर्ण हो गई। राज्य की वाणी अगर एक चौपाई भी तुम 10 बार भी लेते हो तो तब भी वो बार बार जब भी कभी पढ़ोगे उसमें कुछ नई चीज उभर कर आती है, नई चीज निकलती है। तो प्रेम, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है राज्य के पास नहीं जा सकते, अपने आप को पूर्ण समर्पित करके ही राज्य के चरणों में जा सकते हैं। एक ज्ञान और एक प्रेम कभी पूर्ण नहीं हो सकता, हमें समर्पित होना है। राज्य ने क्या कहा, जो जो होवे अर्श नजी खेलते होते होवे दू, यूं करते छुट्टियां खेलना तो रूहे कदमों तले हजूर। अगर हम खेल से दूर हो जाएंगे तो राज्य हमारे बिल्कुल से नजदीक है, कभी हमसे दूर नहीं हो सकते, और हमें पूर्ण समर्पित हो जाना है राज्य लिए तो तभी जो है राज्य मिल सकते हैं। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वर्णा आंटी, अति सुंदर, ज्यो ज्यो होवे अर्स नजदीक त्यों तो खेल होवे दूर। अति सुंदर स्वर्णा आंटी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, कल ही हमें एक और चर्चा स्वामी जी की सुन रहे थे, उसमें स्वामी जी यही कह रहे थे, कोई ज्ञान यहाँ सुनाने वाला है, कोई यहाँ सुनने वाला है, पर दोनों की आत्मा बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। जैसे परात्म बिल्कुल सेम टू सेम है ना, उनके प्रतिबिंब भी बिल्कुल सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है उनमें, चाहे कोई सुनाने वाला हो चाहे कोई सुनने वाला हो, एकदम सेम। फर्क किसमें है सुंदर साहब जी, जीव के स्वभावों में फर्क है। तो कोई ग्रहण करके सुनाता है क्योंकि राजी ने सोचा है कि इस जीव से ऐसा ही अभिनय उन्होंने करवाना है, और कोई उसको सुन रहा है, पर इसमें यदि अभिमान ले लिया, यदि अहंकार इसमें ले लिया कि मुझे सुनने वाले इतने, कोई भी सुंदर साथ इसमें कभी अहंकार ना पाले, क्योंकि बहुत सुंदर स्वामी जी ने बोला कि यहाँ पर इस संसार में शायद वो स्वयं को ऊंचा महसूस करे या फिर उसको करवाया जाए या ऐसा कुछ भी हो, पर राज्जी की नजरों में वो नीचे हो जाएगा, वो राज्जी से आंखें नहीं मिला पाएगा मूल मिलावा जाके। धनी जी बोलेंगे कि ज्ञान तो मेरा था, मैंने तेरे मुख से कहलवाया था, तूने अहंकार क्यों लिया, आत्माएं तो सबकी बराबर थी। तो इसलिए कोई भी सुंदर साथ किसी को भी दो शब्द भी यदि धनी कहलवाते हैं तो इस मैं को अपने पास ना आने दीजिएगा, क्योंकि ये केवल और केवल जो जागृत हमारे धनी जी है ना वो कर सकते हैं। इसीलिए ना तो कोई महामती हो सकते हैं, ना कोई राज्जी हो सकते हैं, ना कोई श्यामा जी, किसी की उपमा यहाँ पर किसी को मत दीजिएगा। महामती की जो शोभा धनी श्री प्राणनाथ जी, धनी ने उनको प्राणनाथ जी की शोभा दी, उन्हीं के पास ही वो शोभा रहने दीजिए। सुंदर साथ जी, यदि कोई सुंदर साथ स्वयं राज्जी बनकर बैठता है, स्वयं को श्यामा जी का वो समझने लग जाता है, तो इससे बड़ा गुनाह, स्वामी जी ने अपनी चर्चा में बोला, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं होगा। तो ना तो स्वयं राज्जी का जामा पहनकर या उनका टीका लगाकर या उनके जैसा कोई चौकी रखकर या उनके जैसा कोई श्रृंगार धारण करके राज्जी नहीं बन सकते सुंदर साहब जी, ना कोई श्यामा जी बन सकता है, ना कोई महामती जी बन सकता है। सारी आत्माएं बराबर हैं, चाहे वो आत्मा मेरे सतगुरु के अंदर है, जीवों के स्वभाव अलग हैं। धनी ने दिल में लिया है कि उनसे ये सेवा लेनी है, इसलिए मूल स्वरूप से जुड़िए सुंदर साहब जी, तनों से बाहर निकल जाइए, और ये अहंकार की ग्रंथि किसी भी सुंदर साथ के अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आत्म जागृति में सबसे बड़ी बाधक यही है।
और इस संसार में ऊंचे हो जाएंगे, बड़ा अल्पकालिक ये संसार है, राज्जी से नजरें मिलाना दूभर हो जाएगा और वो अखंड है वहां पर। तो दीर्घकालिक को सोचिए, अल्पकालिक को नहीं। तो बहुत ही सुंदर स्वामी जी एक एक बात का जब खुलासा करते हैं ना, अति आनंद आता है। प्रणाम जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, कल बहुत अच्छा लगा जय श्री बेन। उनका तुरंत आया, दीदी आज चर्चा लगेगी क्या, आज चितवन लगेगी शाम को, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ईगरली वेट सुंदर साथ कर रहे हैं कि आज ही लगेगी क्या, बहुत अच्छा लगा जय श्री बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बस मैं यही टॉपिक पर दो बात करती हूँ कि जब स्वामी जी ने कहा अभी चर्चा में कि 14 साल से ध्यान कर रहा है, 1400 साल से ध्यान कर रहा है और 14 साल की लड़की को देखकर उसमें जो विकार आता है, तो हमें राज्जी महाराज उसकी वाणी से बताता है कि हमारा दिल कैसा होना चाहिए। राज्जी का, श्यामा जी का सिंगर ऐसा हम नहीं कर पाते, पर उसका गुणों का सिंगर करना है हमें, उस उनके जैसा गुणों हमारे में आ जाए, वही सिंगर आ जाए, तब हम राज्जी के शोभा सिंगर में डूब सकते हो, ध्यान चित्वाणी से और उसमें डूब सकते हैं, बस मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। प्रेम प्रणाम जी। अति सुंदर जयश्री बेन, बहुत ही प्यारा आपने एक पॉइंट उसमें जो बताया ना, अति सुंदर। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, आज एक और बात हमने सीखी कि मैं बूंद नहीं, मैं भी सागर हूँ। राज्जी कहते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं, यही तो यहाँ पर द्वैत है और वहां पर स्वलीला अद्वैत, वहां पर एक एक सागर की लहरें नहीं। आज तक तो हम यही बोलते, एग्जाम्पल क्या दूं, क्या दृष्टांत दूं, यहाँ पे सागर की लहरें कहना पड़ता है तो, पर हर एक आत्मा भी सागर ही है वहां पर, राज्जी में और उनमें कोई फर्क नहीं। तो सागर की गहराई के माफिक अपने दिल में प्रेम की गहराई लेकर आनी है। आज से मैं सागर की लहर नहीं, मैं स्वयं उस सागर में मिलके सागर हो चुकी हूँ। सुंदर साथ जी, ऐसा भाव दिल में लेना है हम सब सुंदर साथ को। और एक और बहुत सुंदर उन्होंने बोला, ज्ञान और प्रेम में ना कभी पूर्णता नहीं समझनी चाहिए। मुझे बहुत ज्ञान आ गया, पूर्ण अति पूर्ण हो गया, नहीं, पूर्ण केवल राज्जी है। जितना जितना वो देते हैं ना, उतना उतना मिलता जरूर जाता है, पर अभी गहराइयां और बहुत बाकी हैं, इसीलिए खींच के रखा हुआ है। जब तक वो गहराइयां पूर्ण नहीं हो जाती ना, तब तक खत्म नहीं करना उन्होंने, तब तक पूरा देना है। स्वामी जी एक चर्चा में कहते हैं, मैं कभी राज्जी से नहीं कहता कि खेल खत्म कर दो, क्योंकि जो वो देने आए हैं ना, जो खजाना उन्होंने देना है, वो मैंने पूरा लेना है, ये उनकी इच्छा है। हम इंटरफियर करने वाले कौन होते हैं, धनी ऐसा कर दो, धनी वैसा कर दो, जो वो कर रहे हैं, जो उनके दिल की इच्छा से आ रहा है, दैट इज बेस्टेस्ट, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। पूर्ण समर्पण सुंदर साहब जी। हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साहब जी, प्रेम प्रणाम जी। स्वामी जी ने कहा कि अक्षरातीत के रोम रोम में जो सौंदर्य का सागर क्रीड़ा कर रहा है ना, हम उस सौंदर्य की गहराई को नाप नहीं सकते, इतना सौंदर्य का जिलोरे ले रहा है उनके रोम रोम को। और अभी आपने बोला सवलीला अद्वैत, परम धाम में जो सवलीला अद्वैत की भूमि है परम धाम, और परम धाम का जो एक कण में जो पूर्णता है ना, वो ही पूर्णता पूरे परम धाम में, वहां पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो जितने भी पूर्णता उसके कण में है, छोटे से कण में, वही पूर्णता पूरे परम धाम में है, वही पूर्णता हमारे धाम में। और यहाँ स्वामी जी ने चितवनी का जो महत्व बताया ना, हम संतोष कर लेते, हम समझ लेते कि हमें एक छोटी सी झलक मिल गई, हमारी चितवनी संपूर्ण हो, उसमें हमको संतोष नहीं करना चाहिए। क्योंकि राज्य को सिख से नक्षत्र की शोभा का जो वर्णन आया है ना, कि हम राज्य के चरण कमलों का दीदार, हृदय कमल का दीदार और मुखारविंद का दीदार, जब तक नक्ष से सिख तक का दीदार नहीं कर लेते ना, तो हमको अपनी चितवन को पूर्ण नहीं समझना चाहिए, तभी वो पूर्ण सार्थक हो सकेगी, जब तक हम पूरे सौंदर्य का नक्ष से सिख तक का दीदार नहीं कर लेते चितवन में। इसलिए इसी में स्वामी जी ने बोला ज्ञान और प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता, इसी तरह समझना चाहिए कि ज्ञान और प्रेम में कभी पूर्णता नहीं होती,
तो स्वामी जी ने याची स्वामी को बहुत महत्व दिया है, सुंदरियता को भी बहुत महत्व दिया है। हाँ जी, अति सुंदर सुनीता दीदी, बहुत सुंदर बुलेट पॉइंट्स जो आपने दिए ना पूरी चर्चा के, बहुत ही प्यारे। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। इससे सुंदर साची की एकाग्रता का पता चलता है कि कितने कितने एकाग्र होकर सुंदर साथ जी सुन रहे हैं। सुंदर साथ जी, एक बड़ी सुंदर बात स्वामी जी ने कही, ये हमने पहले भी की थी, शायद इसी चर्चा से सुनी होगी, क्योंकि अपना अपने पास तो एक शब्द भी नहीं है, सारा उन्हीं से लिया हुआ है, उन्हीं के टीका से, उन्हीं की चर्चा से। तो वो कहते हैं चेहरा होता है ना, किसी का पतला होता है, किसी के नैन नक्श डिफरेंट होते हैं, किसी का ब्रॉड होता है, किसी का थोड़ा स्किनी होता है। तो चेहरे के नैन नक्शों को दिल में बसाना, थोड़ा सा हर एक का चेहरा अलग अलग होता है। तो राजी को हमने तो देखा नहीं है अभी, वैसे तो कदीम से उनके साथ ही रहे हैं, पर यहाँ आकर हमने उनके दर्शन किए नहीं। तो फर्स्ट इंस्टेंस में उनके मुखार बिंद की शोभा को दिल में बसाना थोड़ा सा टफ है, यानी कि बिगिनर लेवल पे यदि हम करें। पर चरण चरण एक जैसे होते हैं तकरीबन तकरीबन सबके, थोड़ा सा बस गौर वर्ण चरण और लालिमा उसमें घुली हुई, तो चरणों को दिल में बसाना थोड़ा सा आसान है। इसीलिए हम चरणार बिंद से शुरू करते हैं। सुंदर सा जी, एक बार शुरू करके देखिएगा, चरणार बिंद से बाहर निकलने ही नहीं देते, वो मुखार बिंद तक जाने में ही बहुत समय ले लेते हैं। राजी बोलते हैं चरणार बिंद में, कहते हैं ना चरणों की लीकें है ना, जो नीचे तली की गहराइयों में जो लीकें हैं उनमें आठों सागर बहा करते हैं। सुंदर साजी, तो उन चरणों में ध्यान लगाना जरूर शुरू कीजिए। प्रणाम जी श्रीनिवास शंकर, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। सुंदर साजी आवाज आ रही है? आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है, थोड़ी थोड़ी वो हो रही है, अगर स्पीकर है ना तो उसको डिस्कनेक्ट कर लीजिए। वो डिस्कनेक्ट कर दिया, अलग कर। हाँ जी हाँ जी आ रही है आवाज, तो अच्छी आ रही है। वो आज हमारे परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा जो चर्चा दी गई है उसमें सारी मार्फत की और उनकी सागर ग्रंथ, तो स्वामी जी ने कहा है कि कितना महत्व दिया है हमारे सागर ग्रंथ पर और श्रृंगार पर। कहते हैं कि प्रकाश से लेकर के क्रंथन तक मोबाइल भी सुन सकते हो चर्चा के अंदर लेकिन जो है अनुमति मिल सकती है, लेकिन सागर और श्रृंगार ग्रंथ एक ऐसे दो ग्रंथ ऐसे हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार का वॉयलेंस नहीं, या वॉइस वगैरह डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी, वो मतलब श्रीनिवास अंकल, श्रीनिवास अंकल मैं एक बात कहना चाहूंगी, हाँ जी मैं एक बात कहना चाहूंगी श्रीनिवास अंकल, मैं सोच रही थी जैसे ही स्वामी जी ने ये बोला ना, आपने याद दिलाया अभी, तो मैंने ना फटाफट स्क्रॉल किया कि सुंदर साथ क्या कर रहे हैं, और पता है मैंने सोचा जब तो स्वामी जी लाइव चर्चा कर रहे हैं तब तो मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना, पर जब स्वामी जी यहाँ चर्चा कर रहे तो छोड़ना नहीं, ये मोबाइल जिसपे ये लगी हुई है ना उससे एक मिनट के लिए भी ध्यान नहीं हटाना, और सुंदर साथ बिल्कुल एक तक एकाग्र होके सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जूम में और लाइव में ये डिफरेंस है, वहां हाथ नहीं लगाना और यहाँ पे बिल्कुल छोड़ना नहीं। अति सुंदर श्रीनिवास शंकर। हाँ जी यार, एक दूसरा ये था कि परम धाम की प्रत्येक कण के अंदर ये आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ आज की वहादत का एक और भी गुण उन्होंने बताया कि पूरे परम धाम के अंदर कोई भी कण है वहां का उसके अंदर संपूर्ण परम धाम नहीं है। इसका मतलब ये है, एक बार किरण बहन जी चर्चा कर रही थी चितवनी के बारे में, बोल रही थी जयपुर वाली बहन, तो उन्होंने कहा था कि रंग माहौल के अंदर जब वो वर्णन कर रही थी उसमें गलियों का, तो कह रही थी कि हम सुंदर साथ राजी और श्यामा जी के साथ हम चल रहे हैं जा रहे हैं, अचानक दृष्टि पड़ी ऊपर जो है छत पर फ्लोर पर, तो वहां जो है फूलबाग नूरबाग का दृश्य चित्र बना हुआ। सखियों की इच्छा हुई कि फूलबाग नूरबाग में चलें, तो वहीं से ही सीधे वहां फूलबाग नूरबाग में चले गए। सब सखियां पहुंच जाती हैं, राजी भी श्यामा जी पहुंच जाते हैं,
परंतु जो वहां माणिक पहाड़ है अंदर चित्रों के अंदर, आपको माणिक पहाड़ जाना है तो उसके लिए आपको सुखपाल की इंतजार करने की जरूरत नहीं। और आज स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रत्येक कण में परम धाम का छोटे से छोटा जो कण है वो भी एब्सोल्युटली पूरा परम धाम है, यानी इसमें 25 पक्ष सब संपूर्ण निहित है। आप किसी भी कण के अंदर आप पुखराजी पहाड़ दर्शन कर सकते हैं, आप माणिक पहाड़ दर्शन करते हैं, छोटी रांग, बड़ी रांग, राजू महाराज की कितनी अद्भुत और अलौकिक लीला है। अच्छा, और एक इसमें ये था कि ज्ञान और प्रेम की जो है कभी भी कोई म्याद नहीं, हद नहीं आती इसकी। जब हम चलते चले जाएंगे और कोई ये सोच, जहां ये सोच लें कि भाई बस अब बस हो गया, तो समझ लो कि वो अधूरापन हो गया। इसमें कभी पूर्णता आती नहीं है, क्योंकि ज्ञान और प्रेम जो है ये जितना बढ़ो आगे की तरफ उतनी इसके अंदर इच्छा और बढ़ती चली जाती है। और उन्होंने यही बताया कि अगर हमारे अंदर ये बात आ जाए कि मेरे को झलक पड़ गई है, अंतर्दृष्टि के द्वारा झलक पड़ती है, उन्होंने बताया कि हम अंतर्दृष्टि के द्वारा राजकीन का दर्शन हमको होता है, हमारी आत्म दृष्टि जब हमारे आंख खुलती है तो झलक पड़ती है। अगर हम ये सोच लें कि भी हम राजकीन के दर्शन हो गए, तो हमारे अंदर एक अहंकार ग्रंथि होती है वो एकदम उत्पन्न हो जाएगी। और उससे जो है, अब अभी तक तो हम उन्नति की तरफ जा रहे थे, फिर हम पतन की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कोई भी, चाहे वो संत है, महंत है, पुजारी है, आचार्य है, कोई भी है, चाहे कितना बड़ा गुरु है, सभी को मतलब ये चितवनी के माध्यम से आज भी हम सुनते रहते हैं। स्वामी जी अब ध्यान में चले गए, अब इतने महीने के लिए चले गए, इतने मैं ये सोचता रहता हूँ, एक बार तुमने स्वामी जी से कह दिया मेरे पर रहा नहीं गया। मैंने कहा स्वामी जी अब बहुत हो गया ध्यान, अब आप सुंदर साथ को ना बस इनको लेकर के ना अब आप दूर ना जाइएगा, इनके साथ ही रहिएगा और चर्चा सत्संग दीजिएगा और सब पर अपना वृद्ध हस्त रखिएगा। और आप जो ना, लेकिन स्वामी जी तो बार बार जाते ही, वो तो जब सरकार श्री जी थे तो उनसे पहले भी पन्ना जी चले गए थे, तो सरकार साहब ने सूचना भेजी थी कि उनको वहां से लेकर गया, वो शुरू से ही ध्यान में जाते रहे। तो उनका कहना ये कि ये पूर्णता इसमें आती नहीं है कभी, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ये नहीं कि भाई इतने हजार किलोमीटर चल। अब जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ सागर को नाप दिया, हमारे इस पृथ्वी पर स्वामी जी ने बताया कि हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उनकी किलोमीटर की दूराई और उस लंबाई चौड़ाई और इसकी गहराई नाप दी हमारे इंजीनियरों ने जो काल माया से बने हुए। लेकिन प्रेम की कोई सीमा, सागर सागर भी कोई शब्द नहीं है उसके, वो अनंत है। अच्छा, आगे उन्होंने बताया कि सुखदेव और व्यास जी और एक 1400 वर्ष के एक महान संत का उन्होंने वर्णन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो सुखदेव जी थे तो वो तो चलेगी आराम से, वो जो किशोर थी वो ही थी हमारी कुमारिकाएं थी, उनका वर्णन उसमें भी आता है, श्रीमद् भागवत में भी आता है। तो वो ही नहाया करती थी शरद पूर्णिमा में, जब वो पूरे उसमें जो है कार्तिक के महीने नहाया करती थी। तो सुखदेव मुनि जी वो चले गए और वो नगन वहां नहाती रही, स्नान करती रही। अब जब व्यास जी आए और उन्होंने देखा कि व्यास जी आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी करके वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी को बड़ा अचंभा हुआ, जो मेरा किशोर पुत्र है जब वो गया तब तो इन्होंने कोई कपड़े धारण करे नहीं, एक मैं वयोवृद्ध हूँ और मुझे देख करके ये वस्त्र धारण कर रही है। तो उन्होंने उनसे पूछ ही लिया कि आप जो है यहाँ पर जो है मेरा बच्चा गया है निकल करके, वो किशोर था तब तो आपने वस्त्र धारण नहीं करे और जब मैं आया हूँ तो आपने वस्त्र धारण कर लिए। तो तब उन्होंने कहा कि हमने जो आपका जो पुत्र है वो मोह माया से परे है, वो शरीर और संसार से परे है, लेकिन अभी आपकी दृष्टि जो है वो संसार के अंदर है। आपके अंदर ये भाव है कि ये नगन है और ये वस्त्रों से है, लेकिन आपके पुत्र के अंदर ये भाव नहीं है। तो हमारे पूज्य स्वामी जी का कहना हम सब सुंदर साथ के लिए ये था कि शिवजी आदि जो ये पंचवासना हुई है इन ये शरीर से भी उठी और संसार से भी उठ गई, गुण इंद्रियों से भी उठ गई, तो परम धाम नहीं पहुंची, कहाँ पहुंची,
योग माया के नाम, ये तुमने तो परम धाम जाना। अब हमको तो मतलब जीव भाव से भी ऊपर जाना पड़ेगा। संसार में कोई जीव को नहीं छोड़ सकता अपने को, जीव कोई छोड़ दिया तो फिर बचेगा ही क्या, जीव ही तो मेहनत करता है। लेकिन ब्रह्मात्मा ही एक ऐसी है जिनको जीव भाव को भी छोड़ना पड़ेगा, जीव को भी छोड़ना पड़ेगा, वो परम धाम जाएगी। तो इस प्रकार जो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस यहीं पर पूर्ण लूंगा, सुंदर साथ और भी बोलेंगे, तो बस यहीं पर यहीं तक ग्रहण स्वीकार करें। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, बहुत सुंदर दोहराई आपने, चर्चा की करवाई, बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, एक बुलेट पॉइंट ये भी था, व्यापारिक मस्तिष्क कभी प्रेम नहीं कर सकता, तो धनी जी से व्यापार करना बंद कर दीजिए, इतनी सेवा हमने दी है तो इतना फायदा हमें इधर होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, पोता होना चाहिए, नहीं, व्यापारिक नहीं। सुंदर साहब जी, चितवन में बैठकर धनी से धनी को मांगना है, और वो भी मांगना नहीं पड़ेगा, वो अंदर बैठे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात उन तक पहुंच जाती है, तो क्या शब्दों की जरूरत पड़ेगी उनके लिए? नहीं पड़ेगी सुंदर साहब जी। हाँ जी, अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट श्रीनिवास जी ने कवर कर लिए हैं, फिर भी शॉर्ट में स्वामी जी ने जो मेन बात ये बोली है कि परम धाम का एक एक कण अपने आप में पूरा परम धाम समेटे हुए है। और जो स्वामी जी ने ये भी बताया कि एक अंक को भी अगर हम अपने आत्मसात कर लेते हैं तो नख से सिख तक का सारा श्रृंगार आपके हृदय में आ जाएगा, क्योंकि हर अंग अपने आप में पूर्ण है। और उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको राज्य को पाना है तो आपको अपने आप को लुटा देना पड़ेगा पूरी तरह, अपनी अंतर्दृष्टि खोलनी पड़ेगी पूरी तरह, और बाह्य दृष्टि आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर माया का थोड़ा सा भी लेश मात्र आपके अंदर है तो आप नजदीक नहीं जा सकते हैं राज्य के, तो उसके लिए आपको पूरी तरह से समर्पण करना पड़ेगा, खुद को लुटा देना पड़ेगा। और श्री राजी महाराज के नख से शिख तक के श्रृंगार को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। जो जो होवे अर्श नजदीक, क्यों क्यों होवे खेल दूर, खेल तो फिर अपने आप ही दूर हो जाएगा, उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ राजी को अपने हृदय में बसाने के लिए मेहनत करनी। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर अनीता दीदी, बहुत ही सुंदर। स्वामी जी ने जो बोला ना, आपने बहुत प्यारा ये बताया कि लूटना है तो लुटाना पड़ेगा, पहले लुटाना फिर हम लूट सकते हैं उस खजाने को। बहुत सुंदर अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे सेफ में ना अंदर लॉक किया हुआ, सुंदर साहब जी चेक कर लीजिए आज ही, दिल के सेफ में लॉक किया हुआ ये खजाना राजी ने, और हम मांगते फिर रहे हैं कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, है ना, वो सेफ में अरबों का धन लॉक किया हुआ दिल में राजी ने, उस सेफ को खोल लीजिए, भूखे नहीं रहेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, धनी ने इतना कुछ दिया, करोड़ों का धन दबा के रखा, गड़ा हुआ धन निकाल लीजिए श्री मुखवाणी के रूप में, रोज रोज मंथन कीजिए, एक दिन भी ऐसा ना हो कि मेरी आत्मा बस देखती रह जाए कि आज इसने शरीर को बहुत पलोसा, सब कुछ खिलाया पिलाया, पर मैं भूखी देखती रह गई, चुंबक की तरह बैठी रह गई कि आज मैं क्या आकर्षित करूं जो इसने पूरे दिन में किया है। तो सुंदर साहब जी, आत्मिक आहार पहले, शारीरिक आहार बाद में। हाँ जी, दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सब सुंदर साहब जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। मैं आज एक पॉइंट नहीं नोट कर पाया था, चलते फिरते मैंने चर्चा स्वामी जी की सुनी। स्वामी जी इस चर्चा में श्री राजी के श्रृंगार शोभा का वर्णन कर रहे हैं सागर ग्रंथ से, जो चौथा सागर है। सागर ग्रंथ में जो मूल मिलावे की शोभा राजी श्यामा जी रूहों की सबका वर्णन जो किया है श्री इंद्रावती जी ने, साक्षात राजी ने स्वयं, उसे सागर इस वजह से कहा गया, जो मैंने भाव नोट किया मन में, कलम से नहीं कर पाया, कि
सागर से बड़ी उपमा कोई इस जगत में है ही नहीं, क्योंकि सागर अनंत राशि का है, उसमें अनंत जल है, उसकी अनंत गहराई है, जिसे कोई नहीं नाप सकता। तो अनंत राशि वाली जो उपमा है वो सागर से अच्छी कोई हो नहीं सकती। राज्य में अनंत अनंत सत, अनंत चिद, अनंत आनंद और परमधाम का एक एक कण उसमें सत चित आनंद परिपूर्ण है। इस काल माया में कोई परिपूर्ण नहीं है, केवल पूर्ण पूर्णातिपूर्ण हमारे प्रियतम राज्य ही है, अक्षरातीत धाम धनी है। तो उन्होंने जो उपमा दी सागर की, और हमंगनाओं को लहरों की उपमा दी जाती है। जिस प्रकार लहर सागर से भिन्न नहीं है, उसी से उपजती है, उसी में समा जाती है। अगर लहर की एक बूंद को भी देखें तो उसमें संपूर्ण सागर, उसके गुण धर्म सारे विद्यमान है। उसी प्रकार हम अंगनाएं भी राज्य का अभिन्न अंग है। और वर्णन कर रहे हैं राज्य की शोभा का, और फिर इस काल माया में बैठ के, हम भी तो बैठे हैं काल माया में, फिर याद दिला रहे हैं कि काल माया का कोई भी ब्रह्म ज्ञानी तपस्वी वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक दौड़ सका, शून्य तक, और आगे जाके निराकार में तो अटक ही गया। और इस त्रिलोकी के जो सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ, जिनको हम भगवान कहते हैं, देव कहते हैं, विष्णु भगवान, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी, ये अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं अखंड तो हैं, लेकिन उस बेहद के ब्रह्मांड में योग माया में वो भी अक्षरातीत का ध्यान करती हैं, वो भी प्रयास करती हैं कि अक्षरातीत की एक झलक मिल जाए, लेकिन उनके प्रतिबिंबित तक ही वो सीमित हैं। तो जो इन पंच वासनाओं को भी प्राप्त ना हो सका, वो ज्ञान वो शोभा हम रूहों को काल माया में बैठा के राजी वो शोभा दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इतनी तन्मयता रखो कि एकाग्रचित हो जाओ। तो अब प्रश्न ये उठता है मेरा अपने लिए कि वाणी में श्रृंगार ग्रंथ में आता है कि ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इश्के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी जानी सोए। तो जब राज्य की सूरत हमारे दिल में चुभेगी तभी हम अपनी रूह को ये समझें कि अब जागना शुरू हो गई है। अब कहीं मैं चौपाई जैसे देखता हूं कि मोहे दिल दिल में हुक्मे यूं कहा, जो दिल में आवे हक मुख तो खड़ा होए मुख हक रूह का, हक सो होए सन्मुख। क्या राज्य की चितवनी में सबसे पहले मुखारविंद निहारना चाहिए? चौपाई करिए, राज्य का अगर हम मुखारविंद को निहारेंगे तो हमारी रूह का मुखारविंद वो जागृत हो जाएगा। दूसरी चौपाई कह रही है, जो तू ग्रहे हक नैन को तो नजर खुले रूह नैन। अगर हम राज्य के अनियारे तीखे बाण चलाने वाले नैनों को चितवनी में निहारेंगे तो हमारी जो परात्म है उनके नैन जागृत हो जाएंगे। और वो स्वामी जी ने कहा कि वो आशिकी क्या जो अपने प्रियतम का शोभा का वर्णन कर दे। क्यों? आशिक अगर वर्णन कर रही है तो वो ज्ञान में है, और आशिक तो वो कहलाता है जो इश्क में गलतान हो जाए, जो एक अंग भी रूह के पकड़ में आ जाए राजी की मेहर से, उनकी कृपा से, तो उसी अंग से ना निकले, दूसरे अंग पे जाए ना, तो वो आशिक है। तो ये बात, ये परीक्षा तो इतनी कठिन है कि ये परीक्षा वाला अगर शर्त लगाएं तो चितवनी संपूर्ण कैसे होगी। तो ये सब राज्य की मेहर से होने वाला है। फिर मुझे एक चौपाई मिली, जो मेरे जीव ने वो ग्रहण की कि हम करें क्या, मुखारबिंद निहारें, हस्त कमल निहारें, और या उनके हैडे की शोभा को निहारें, क्या करें? तो एक चौपाई मुझे मिली, जो हक चरण दिल दृढ़ धरे तब रूह खड़ी हुई जान। रूह तो खड़ी हुई, उनकी हक सूरत चुभने से भी रूह को खड़ी हुई मानेंगे, लेकिन अगली लाइन में कहा, हक अंग सब हृदय आए तब रूह जागे अंग परवान। तो ये कह रहे हैं कि जब राजी के चरण कमलों को हम हृदय में रखेंगे तो फिर सारे राजी के अंग धीरे धीरे हमारे हृदय में खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो कितनी आसानी कर दी। स्वामी जी ने कहा कि चेहरा सबका अलग अलग, अब हम राज्य का कौन सा चेहरा बनाएं? हम इसमें भ्रमित रहेंगे, नहीं दृढ़ कर पाएंगे।
लेकिन चरण कमल इतने नूरी हैं, कोमल हैं, उज्जवल हैं, लालिमालीय हैं, और उनकी चरण कमलों की लीक में अगर उसमें उसमें इतनी गहराई है कि उसी में डूब जाएंगे। तो चरण कमल लेने का भाव ये है कि शायद राजी इशारा कर रहे हैं ये आपके लिए सबसे आसान है, इस आसानी से इधर से आप प्रवेश कर जाओ। तो ये मेरे रूह ने जो ग्रहण किया कि राजी के चरण कमल जब हृदय में आएंगे तब उनका संपूर्ण स्वरूप धीरे धीरे खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा, व्यापार करना बंद कर देना चाहिए। व्यापार हम जो हमारे जागनी का मूल मिलावा पन्ना धाम है, हम वहां भी व्यापार करते हैं। श्यामा जी के मंदिर में, बाईजूराज जी के मंदिर में बहुत सारे नारियल टंगे होते हैं और जो नारियल कोई बधराते रहते हैं। मैंने किसी से पूछा कि भाई क्यों नारियल बधरा रहे हो, कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। तो ये जो है ना, ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये व्यापार है कि हमने कुछ किया उसके बदले में कुछ मांग लिया। अंगना तो वही है, आशिक तो वही है जो केवल राज्य को, केवल अपने प्रियतम को ही मांगना है। और ये भी शिकायत नहीं करना है। स्वामी जी के कुछ बात से ये आशा निकला कि उनसे कुछ सुंदर साथ जी कह रहे थे बहुत दिन से चितवन ही कर रहे हैं कि हमें दर्शन ही नहीं हो रहे। इसका मतलब हम अपनी इच्छा मनवाना चाहते हैं, हमने ये चाहा राज्य आपने ये नहीं किया। अरे जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, आप दर्शन दो नहीं दो, चितवनी लगवाओ नहीं लगवाओ, वो आपके ऊपर छोड़ दिया, वो जाने। तो ये कुछ भाव मैं पॉइंट ज्यादा नोट नहीं कर पाया, चलते फिरते मैंने सुना, लेकिन बस जीव ने ये ग्रहण किया कि अगर राजी के चरण कमल हम पहले हृदय में धरने का प्रयास करें तो राजी कृपा करके हो सकता है अपने सारे अंग धीरे धीरे हमको मेहर करके दे दें। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साहब जी नाम की, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। दुष्यंत भैया आपने चलते फिरते भी, हमने जितना कॉन्सेंट्रेशन से सुना आपने चलते फिरते भी उससे ज्यादा ग्रहण कर लिया। बहुत ही सुंदर, अति 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 सुंदर आपने जो पूरी चर्चा का ये जो सारांश बताया है ना, और चरण कमल की जो चौपाई बताई ना, वो एक बार फिर से बताइएगा, वो बहुत अच्छी लगी जी। दीदी चौपाई है श्रृंगार ग्रंथ की प्रकरण 4 चौपाई 37। जब हक चरण दिल दृढ़ धरे तब रू खड़ी हुई जान, हक अंग सब हृदय आए तब रू जागे अंग परवान। अरे वाह, बहुत सुंदर सुंदर साथी, बहुत ही सुंदर। तो शोभा को दृढ़ करने के लिए अंदर चरण कमलों को हमने बसाना है, और कैसे धनी ने खींचते बोलते हैं ना, एक बार वो पकड़ लो तो फिर ऊपर जामे तक कैसे पहुंच जाएंगे, मुखारविंद तक, ये धनी ने ट्रेवल अपने आप ही करा लेना। अति सुंदर दुष्यंत भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि सब सुंदर साथ के चरणों पर प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्णा आंटी, और उसके बाद हम जयकारा लगाएंगे। हाँ जी स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरे दिल में एक ये भार है कि कल ना किसी के यहाँ, वो ये छतरपुर में कोई गुरुजी हैं तो उनकी चर्चा मतलब चलती है, तो वो ना गुरु नानक जी की वाणी ज्यादा मानते हैं, तो वो जिस समय चर्चा के बाद ना सी अपने अपने भाव रखते हैं, तो एक सुंदर साथ ने ना मतलब एक भाव रहा और जैसे चौकी पे बैठे 5 मिनट भी नहीं, मुश्किल 3-4 मिनट ही ध्यान लगाया, और उन्होंने ये बोला कि मेरे ना एक पूर्ण प्रकाश दिखाई दिया, बिल्कुल येलो था और बिल्कुल और कुछ नहीं दिखाई दिया, एकदम ऐसे मुझे बिंदु सा प्रकाश पूरा दिखाई दिया। और मैं उसके बाद मैं कह रही थी कि हाय ये प्रकाश ना मेरे सहन नहीं हो रहा, कह रही मैंने आंखें खोली तो बाहर फिर वैसा, उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद आंखें बंद करी तो फिर मुझे वो प्रकाश। तो मेरे दिल में लगा कि जब ये मतलब जो यो माया तक जाने वाले सुंदर साथ को इतना प्रकाश मिला है, और हम अर्पित नहीं सकते, हम स्वामी जी के आगे ये कहते हैं कि स्वामी जी से चितवन कर रहे हैं, चितवन लगा रहे हैं, हमें दीदार नहीं होता, तो हम अपने अंदर अवगुणों को देना कि हमारे अंदर क्या अवगुण है, हमें क्यों नहीं हो रहा, हमें दीदार क्यों नहीं हो रहा, हम क्योंकि हम पूर्ण समर्पित नहीं हो पा रहे, हम समर्पित हो जाएंगे, सब कुछ न्योछावर कर दो राजी, जो कुछ है आप है,
अगर हम सुबह उठते हैं तो राज्य उठाते हैं, अगर हम यहाँ बैठे हैं ना तो उन्हीं की मेहर से हम उठे हैं, अपने आप नहीं बैठ सकते, जितनी देर भी बैठे हैं उनकी कृपा उनकी मेहर से हम बैठते हैं। तो हमें जो है पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए तो हमें दीदार में देर नहीं लगेगी। दूसरा एक ये था स्वामी जी ने ये कहा कि अब ये जो एक सुंदर साथ के अंदर एक ये प्रवृत्ति हो गई है, झुकना नहीं सीखते, हाथ जोड़ प्रणाम नहीं करना सीखते, कि हाथ जोड़ कर प्रणाम करने से नम्रता आता है। हम झुक गए किसी के चरण, अगर झुक गए प्रणाम किया उनके को छुआ तो हमें एक अपने आप को ये लगा कि हम नम्र हो गए, हमने दूसरे के सामने अपने को समर्पित कर दिया। और सही उन्होंने ये कहा कि आजकल अगर कोई प्रणाम करते तो हम सिर झुकाकर सिर्फ हिलाकर ये कहते हैं प्रणाम जी। तो हमें जो है पूर्ण समर्पित होना है राज्य के चरणों में, अपने अहम को छोड़ना है, वाणी की एक एक वाणी की चौपाई को अपने अंदर उतारना है। बस यही मेरे भाव थे, दिल में चुभ रहा था कि जब भारी सुंदर साथ को दीदार हो सकता है, वो कहते प्रकाश मिलता है, तो हमें भी कोशिश करनी है कि हमें भी मिले। अति सुंदर स्वर्णान जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने एक चीज स्वामी जी की चर्चा टीका पढ़ के जरूर सीख ली है कि जो भी हो रहा है ना उनकी दिल की इच्छा से हो रहा है, उन्होंने उपजाया हमारे अंदर खेल मांगो, फिर खेल को दिखाया भी। अभी चितवन का उपजाया है ना, 400 साल से नहीं उपजा था ना हमारे दिल में, इसका मतलब पूर्ण करने के लिए ही उपजाया ना उन्होंने। तो इधर धैर्य नहीं खोना सुंदर साथ जी, बस हमने और पूर्ण वो छोड़ दीजिए। जब जैसे अभी अभी दुष्यंत भैया ने बताया ना, जो जानो त्यों रखो, देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो राजी, क्योंकि मुझे पता है बिठाया ही आपने देने के लिए। आई एम 100% श्योर, प्राप्तव्यम प्राप्तम प्राप्तव्यम बोलते हैं, आज जो बोलते हो ना कल वो ट्रू हो जाता है। ये आप अगर ब्रह्म कुमारी को भी यदि आप सुनोगे ना, वो बोलते हैं आपने अपना फ्यूचर बनाना है ना, आप उस बात को आज से दोहराना शुरू कर दो तो आप कल डिसाइड कर रहे हो अपना, बोल बोल के अंदर उस संकल्प को दृढ़ करके, और कल वो होना शुरू हो जाएगा एक्चुअली में। तो ये प्राप्तम प्राप्तव्यम हमने दृढ़ करना, हमने आपको पा लिया, पाएंगे नहीं, पाएंगे तो बड़ी दूर है, मैंने जो पाना था वो मैंने पा लिया है। तो राजी कहते हैं इतनी 100% श्योर है ये कि इसने पा लिया है, तो इस अंगना को मैंने ट्रू करना है अब इसकी इच्छा को कि तूने पा लिया है, हाँ तूने पा ही लिया है अब, तो उसमें को थोड़े से क्षण शेष है अब। और बोलते हैं ना, जब मोड़ पे, एक मोड़ पे हम किसी से मिलने जा रहे हो या किसी को ढूंढ रहे हो ना, मोड़ के इधर इस पार खड़ा है ना, तो मोड़ के हम इधर ही होते हैं ना, तो वो व्यग्र होने लग जाते हैं कि अभी तक नहीं मिले, पर वो मिल नेक्स्ट क्षण में वो मिलने वाले होते। शायद ये वही क्षण है जब हम अधीर हो रहे हैं कि राजी अभी तक नहीं आए, और राजी बोलते मैं 400 साल से तुम्हें बोल रहा था, तुम आई नहीं, तुम चार दिन चितवन करके बोलती हो कि आते क्यों नहीं हो, है ना। तो कुछ ना कुछ अंदर होगा जो वो साथ साथ साफ करते जा रहे हैं, क्योंकि उसके बिना धनी अंदर अंदर बैठे हैं पर प्रत्यक्ष हो नहीं सकते, है ना। तो वो यात्रा भी अपने आप, उस यात्रा को भी छोड़ दो ना सुंदर साहब जी, बस मैंने बैठना है, आगे आपकी जो इच्छा वैसे करो, और मैंने नहीं बैठना, ये भी मैं नहीं लेनी, आपने बिठाना है, आपने बिठाना है, आगे आप जो मर्जी करो। बोलते कल मैं एक पढ़ रही थी स्वामी जी का टीका, धनी की मैं, हम बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, अपनी मैं को छोड़ के धनी की मैं अंदर आनी चाहिए। कहने में बड़ा आसान है धनी की मैं, धनी की मैं कोई छोटी बात नहीं होती। उसमें स्वामी जी ने पता क्या लिखा था, धनी की मैं यानी के हुक्म। जब धनी का हुक्म अंदर आ जाता है वो होती है धनी की मैं। कोई हल्के में शब्द नहीं लेने हमने कि मेरी मैं मिट गई, धनी की मैं अंदर आ गई, हो गई जागनी, नहीं सुंदर साथ जी। ये हुक्म की जो चौपाइयां अभी दुष्यंत भैया हमें बता रहे थे ना, कि कहीं तो ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा लिखा है राजी ने, कभी तो कहते हैं हुक्म के अधीन हो, हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, और कभी कहते हैं तुम ही हुक्म हो, है ना। ये हुक्म की चर्चा हम सब सुंदर साथ ने मिलकर करनी है। जब मैं धनी का हुक्म बन जाऊंगी तब सब कुछ मेरे अधीन है, पर उसको बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, उसको बनने के लिए धनी ने कसौटियां क्या रखी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी।
धनी का हुक्म बनने के लिए करना क्या कहते हैं, सब कुछ तुम हो, तुम ही सागर हो, क्या कहते हैं, मैं मेहर का सागर हूं, तुम भी मेहर के सागर हो। ये कितना सुंदर बोला स्वामी जी ने, कहते राजी मेहर के सागर है, रूहें भी मेहर के सागर हैं, पर कब बनेंगे हम मेहर के सागर, मांग मांग के बनेंगे क्या हम मेहर, मांग मांग के मेहर के सागर बन सकते हैं? सागर दो दो बूंद मांगता रहे तो सागर बनेगा क्या, दो दो बूंदे उधार लेते रहो, सागर कभी नहीं बन सकता सुंदर साथ जी। तो जब अंदर धनी का वो आ जाएगा ना कि मेरे और धनी में कोई फर्क नहीं, मैंने कुछ नहीं मांगना, मैं पूर्ण नदी संपूर्ण समर्पित हो जाती है सागर पे, उसमें मिल जाती है ना, तब वो सागर बन सकती है। सागर से दो दो बूंदे उधार लेके वो सागर नहीं बन सकती सुंदर साहब जी। तो ये फर्क है, जब वो स्वरूप हो जाएंगे तब बनेंगे हम मेहर के सागर। बस ये सिचुएशंस, ये अपनी परिस्थितियों में भी नहीं, अवस्थाओं में जो फर्क होता है ना अपनी, जिसमें कहते हैं ना, पहले तो इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं आपसे इश्क मांगती हूँ, मुझे चौपाइयां याद नहीं होती सुंदर साहब जी, टीके के अर्थ थोड़े याद रह जाते हैं, बोलते मैं आपसे इश्क मांगती हूँ, राजी मुझे इश्क दो, मुझे ऐसे करो, फिर आगे जाके कहती हैं इश्क मांगू तो भी गुनाह, अब इश्क मांगना गुनाह हो गया है। तो हम सुंदर साथ को वो जो इंद्रावती जी उन अवस्थाओं से गुजर रही है ना, वो अवस्थाएं, हमारी अवस्था कौन सी है, हमारी अभी इश्क मांगो तो भी गुनाह वाली अवस्था आई नहीं, क्योंकि वो एकाकार हो गई उनके साथ। अब मांगने में गुनाह लगता है अपने पति से जब हम एकाकार हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी उन अवस्थाओं से क्यों ना हम भी गुजरे। इतनी मीठी इंद्रावती जी की अवस्थाएं A to Z उन्होंने वर्णन कर दिया। राजी मैं भी उन अवस्थाओं में से गुजरना चाहती हूँ। दुनिया का कोई भी दुख आए आप संभालो, माया आप संभालो, सब कुछ आप करो, पर मुझे भी उन अवस्थाओं में से गुजारो ना धनी जी। रेडीनेस दिखाइए सुंदर साथ जी, रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। घबराना नहीं है हमने, क्या आ जाएगा इस माया का, जो कहते हैं ना मैं आई हूं ना पहली बार ब्रज में आई थी, चलो दूसरी बार समझ लो, मैं पहली बार दूसरी बार आई हूं ना, अक्षर ब्रह्म तो कदीम से बना रहे, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है हमारे पास, क्या नहीं बचा लेंगे राज्य हमें उन दुखों से जिन्होंने ये बनाए हैं, जिन्होंने ये बनवाए हैं। तो खुद पे लेना बंद कीजिए, अनुभवी नहीं है हम इस माया के, हम पहली बार आखिरी बार आए हैं, अब हमने आना भी नहीं है, वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट दिस माया, तो हमें नहीं निपटना इससे, एक्सपीरियंस को निपटने दीजिए, छोड़ दीजिए उनके ऊपर, छोड़ के देखो तो सही होता क्या है। सुंदर साथ जी पर्सनली मैं आपको बताऊं, आई वॉज लाइक थोड़े साल, दो चार साल पहले, हालांकि सरकार श्री से एक बार बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था, बोले बताओ तुम ज्यादा अच्छा हैंडल कर लोगी या अक्षर ब्रह्म ज्यादा अच्छा हैंडल कर लेंगे जिन्होंने बनाया है, और वो भी राज्य के सतंग, राज्य तो अभी छोड़ ही दो, हालांकि वो करेंगे तुम्हारे लिए हैंडल, तो तुम अच्छा करोगी या वो करेंगे। मैंने कहा वही करेंगे डेफिनेटली, हम लोग तो एक्सपीरियंस है नहीं इस माया में, तो बोलते हैं तो फिर एक बार छोड़ के देखो। मैंने कहा पूरा छोड़ा नहीं जाता, दिल में रहता है कि मैं कर लूं, ये मेरे बिना कैसे होगा, है ना। तो सरकार श्री पता क्या कहते हैं, 20% छोड़ोगे 20% रिजल्ट मिलेगा, 50% छोड़ोगे 50% खुद कर लो, 50% 100% छोड़ के देखो 200% तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो उसके बाद मन में तो था वो ना, मुंह से अलग, कथनी अलग होती है, करनी अलग होती है, रहनी कथनी थी तब से, पर आज से कुछ साल पहले ना वो करनी में थोड़ी सी बदलने लगी, रहनी में अभी भी कितनी आई है वो राजी जानते हैं, पर ऐसा लगा कि नहीं, आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग, आई एम फ्री नाउ, मैं बिल्कुल माया से फ्री हूं। जैसे हाथ आप चलवाओगे ना वो चलते जाएंगे, कराते जाओ। गोपियां क्या दिमाग लड़ाती थी अपना, समर्पण ही तो किया था, हाथ चलते थे ना उनके, माया के काम रुके थे, बेस्ट चलते थे उनके, उनके कभी आपस में अलगाव हुए थे या उनके परिवारों में कोई प्रॉब्लम्स हमने सुनी है जितनी आज होती हैं। तो एक बार छोड़ के देखो, रिजर्व 6 months छोड़ के देखो एज अ ट्रायल, ट्रायल करो सुंदर साथ जी, 6 महीने दिल से माया को छोड़ के देखो। मैं ये नहीं कह रही घर के काम छोड़ दो, मैं कह रही हूँ हाथ चलते रहेंगे, माया के काम होते रहेंगे,
दिल समर्पित करके देखो क्या चेंज आता है हमारी लाइफ में। बहुत फ्री महसूस करते हैं हम अपने आप को, जैसे आजादी मिल गई हो एक कैद से और इस दिल के पिंजरे में अब मैं अपने धनी को रख सकती हूँ, वो मेरा दिल फ्री हो गया, उसमें अब कोई नहीं है। ऐसा करके देखो एक बार। हाँ जी सुंदर साहब जी, हाँ जी आशीष जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछ रहे थे आशीष, मैंने कहा अपने मुख से पूछिए आप। हाँ जी आशीष प्रणाम जी। बबीता जी और सुरक्षा जी के बाद पूछूंगा मैं, प्रणाम जी। हाँ जी ठीक है, बबीता जी प्रणाम, प्रणाम जी बबीता दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया दीदी जी। सभी सुंदर साथ ने सब कुछ बता दिया, मैं तो क्या बताने वाली हूँ, बस मेरे को लास्ट में स्वामी जी ने ये बोला ना, देखो अभी राज्य को पधराएंगे, राज्य की चिंतनी करेंगे, हम ना करेंगे तो कौन करेगा। तो जैसे कोई कहता है भी हाँ मंदिर में राज्य पधरा रखे, तो मंदिर में जाए घर में पधराने की क्या आवश्यकता है। नहीं सुंदर साहब जी, ये नहीं होना चाहिए, घर में राज्य होंगे उनसे तभी प्रेम होएगा ना। ऐसे तो फिर देखो जे हम ना पधराएंगे, हम ना चिंतनी करेंगे तो दूसरे लोगों को हम क्या सिखा सकते हैं। ये कितना स्वीट, राज्य को इतना ये मीठा लगा होगा ना, कहते हैं चितवन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा राजी। ओहो इतना सुंदर ये आपने बोला कि ब्रह्म सृष्टियां राजी को प्यार नहीं करेंगी तो कौन करेगा। सुंदर साथ जी मेरे धनी को प्यार कौन करेगा, ओहो वो तो प्रेम के सागर है पर फिर भी दिल में ये आ रहा है ना, ये बहुत मीठी बात है, बहुत सुंदर बबीता जी। मेरे को तो राजी ने यही बुलवाना था, राज्य से प्रेम तभी होएगा, राज्य घर में आएंगे उनका स्वरूप आएगा तभी हम उनसे प्रेम कर सकेंगे, ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा। मंदिर में जाए दो मिनट जाए तो राज्य के बार बार दर्शन होएंगे तभी प्रेम होएगा, तभी अंदर से अपनी आत्मा जागृत होएगी। तो दीदी बस यही है पॉइंट मेरे को बिल्कुल, अति सुंदर बबीता दीदी, बहुत सुंदर। तो राजी को घर में पधराना है, उनको रोज पढ़ना मंथन करना है उनका, और राजी कहते हैं अब तो मैं वांगमय स्वरूप लेकर देखो हर हाथ में आ गए हैं वो, ये भी नहीं कि पधराए हुए हैं और अब हमने पधराने हैं, हर मोबाइल में धनी ने दे दिया कि इससे भी दूरी है, सारा दिन इस पे लगे रहते हो, इसी में मुझे खोल लो। अति सुंदर बबीता दीदी। हाँ जी सुरक्षा आंटी, सुंदर साहब जी समय होता जा रहा है, अब इसके बाद और सुंदर साहब जी नहीं ले पाएंगे, बाकी कल लेंगे। हाँ जी सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, मैंने बहुत कुछ सुन लिया, इतना अच्छा लगा उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरे को जब आशीष जी ने कहा कि आप बोलेंगी तो मैं यही चाहती हूँ कि राज्य महाराज कुर्बानी करवाओ, इस माया से तो कोई अगाया ही नहीं है, ये माया इतनी प्रबल है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो राजी स्वामी जी ने तो इतना कुछ समझा दिया, मोबाइल से बातें ज्यादा कम करो, राजी के तरफ ध्यान रखो, और कुर्बानी, कुर्बानी क्या है, तन से इस शरीर से इतनी कुर्बानी करो कि जब हम माया का काम करते हुए भी हम राजी को कभी ना भूलें, यही मेरी प्रार्थना है। सब सुंदर साथ बहुत प्यार से और बड़े प्रेम से सुनते हैं और ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी है, बस इतना ही कहना चाहता हूं। अति सुंदर सुरक्षा आंटी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने तो आधा घंटा कहा, हम सब सुंदर साथ ने उसको मिलकर एक घंटा मंथन किया, ये उनकी मेहर नहीं तो और क्या है, अति सुंदर। तो सुंदर साथ जी आज से ना ये भी कहना बंद कर देना, क्योंकि वो सत्य होता जा रहा है। आपने देखा हम कहते माया बड़ी बलवान है, माया बड़ी प्रबल है, ये माया बड़ी होती जा रही है, वो ट्रू होता जा रहा है कि हाँ मैं बहुत प्रबल हूं, नहीं मेरे धनी बहुत मेहरबान है, मैंने उनको पा लिया है, माया की तो कोई शक्ति है ही नहीं। कल से देखिएगा कम होती जाएगी, क्योंकि हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि माया प्रबल है ही नहीं। वो कहते हैं सरकाश्री कहते आज ना माया की तरफ देख रहे हैं, इतनी ताकतवर होके खड़ी है कि मैं तुझे दबा दूंगी, उसकी तरफ पीठ करके देखो एक दिन करके देखो कि आई डोंट केयर तुम कितनी बड़ी हो कितनी प्रबल हो, मैं नहीं परवाह करती, पीठ करके देखो इतनी छोटी सी हो जाएगी, पीछे पीछे आने लग जाएगी कि अब तो ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, मेरी प्रबलता तो उसी में थी कि तेरी कॉन्सेंट्रेशन मेरे में अटकी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन हटा के दूसरी तरफ एक दिन करके देखो, छोटी सी हो जाएगी बेचारी, पीछे आने लग जाएगी कि मेरी तरफ भी तो ध्यान दो।
तो ये ध्यान दीजिएगा, फिर राज्जी प्रबल हो जाएंगे कि मेरी तरफ आ रही है ये, है ना। राज्जी तो है ही प्रबल, पर हमारी दृष्टि उन पे टिक जाएगी ना, हमारे जीवन में उनकी प्रबलता महसूस होने लग जाएगी। आज से वही दोहराएंगे जो पॉजिटिव हो, मेरे धनी जी मेहरबान, श्री जी साहिब जी मेहरबान, और मैंने उनको पा लिया है। हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। हाँ जी, उसके बाद आशीष जी। आशीष जी प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति दीदी बोल रहे हैं। प्रणाम जी ज्योति। प्रणाम जी सुंदर सांस जी, प्रणाम जी सोनिया जी, आपके चरणों में प्रेम। प्रणाम जी, आपके थ्रू जो मिल रहा है बहुत बहुत आपके दिल में बैठे राज जी को बहुत बहुत प्रणाम जी, जो हमें सुकून मिलता है, आत्म को सुख देते हैं, सब आपका लाड़ है, धनी का प्यार। तो आज स्वामी जी ने ये भी बताया कि हमें, बहुत लोग सोचते हैं कि हमें गृहस्थी में नहीं करना है, कि हमें गृहस्थी में नहीं मिलेगा, गृहस्थी में राज्य का दर्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। गृहस्थी में रहते हुए भी हमें करना है। हमारे सतगुरु महाराज जी जो देवचंद जी महाराज थे, उन्होंने भी गृहस्थी से ही शुरू की। हमारे बड़े महाराज जी राम रतन महाराज, दास जी महाराज जी, प्राणनाथ जी, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से ही त्याग दिया, ऐसा नहीं। सरकार साहेब जी, अभी भी जितने सुंदर सांत है, बड़े बड़े प्रभु, सब लोगों ने गृहस्थी में ही रह के किया है। तो हमें गृहस्थी में मतलब अपना सब कुछ कर्तव्य करते हुए, कहते हैं ना कर्म करना है, लेकिन जो जो हमारी चित है वहाँ हमेशा परम धाम में घूमते रहे। तो भी हमें स्वामी जी से ये भी सीख मिली कि हम गृहस्थी में रहकर भी हमें अपने राज्य को चिंतन हमेशा राज्य में लगाना है, जैसे गोपियां हर काम करती थी, लेकिन सुरता हमेशा दिल उनका कृष्ण में ही घूमते रहता था, हम ये कर रहे हैं तो ये उनके लिए कर रहे हैं। तो हमें वो भी वही लक्ष्य अपनाना, मतलब वही हमें नियम अपनाना है, धनी को अपने दिल में रख करके सभी करना है। प्रणाम जी सुंदर सांस जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। ज्योति जी, एक भी बात स्वामी जी की छूट ना जाए, ऐसा लगता है सुंदर साथ के हृदय में फिर से दोहराई, अति सुंदर। हाँ जी आशीष जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो दुष्यंत जी ने बहुत अच्छा इंस्पायर किया आज अपने वचनों से, तो सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छा बोला, और श्रीनिवास जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया जो मेरे को भी चुभा कि परम धाम के हर एक कण में आपको संपूर्ण परम धाम की शोभा और पूरे संपूर्ण परम धाम का सौंदर्य, प्रेम, एकत्व, वाहिदत, क्योंकि वहां वाहिदत की भूमि है, तो एक कण इक्वल टू एंटायर परम धाम। तो बहुत अच्छा पॉइंट लगा। फिर दुष्यंत भैया जब सिंगार में ले गए तो मेरे को एक प्रश्न आया, तो जितना मुझे समझ में आया मैं वो पूछना चाहूंगा आपसे। आपने बोला कि स्वामी जी ने बोला नहीं, जैसे कि वाणी में आपने बताया कि कोई एक अंग, स्वामी जी ने चर्चा में बोला कोई एक अंग को देखने में अगर हम डूब गए तो हमने संपूर्णता प्राप्त कर ली, यानी कि हर एक अंग यहाँ पे देखेंगे तो हम बोलेंगे अपने चरण दिखाओ, तृप्ति नहीं हुई, अपनी हाथ दिखाओ, हस्त कमल दिखाओ, तृप्ति नहीं हुई, अपना मुख कमल दिखाओ थोड़ी तृप्ति हुई, अपने नेत्र कमल दिखाओ और तृप्ति हुई, वहां पे आपके चरण कमल पे दृष्टि पड़ी और आपकी तृप्ति क्या पूरी आपकी जागृति हो जानी है, क्योंकि एक चरण कमल के अंदर भी संपूर्ण राज्य का वो है परम धाम का। तो मेरा क्वेश्चन छोटी बुद्धि का ये आ गया कि स्वामी जी एक तरफ बोलते हैं कि परम धाम की हर राज्य की हर कण और परम धाम की हर कण और राज्य का हर अंग संपूर्ण, उसके अंदर शोभा संपूर्ण, और पुनः बोलते हैं कि हमें नख से सिख तक का श्रृंगार देखना राज्य का, तो ये विरोधाभास मुझे समझ में नहीं आया, ये मतलब क्या हुआ? एक तरफ कहा जा रहा है कि हर एक अंग में ऐसे है और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि जब तक नख से सिख का श्रृंगार आपके अंदर नहीं आ जाता आत्मा के हृदय में। बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि धाम क्यों बोलते हैं, ये भी पॉइंट अच्छा था जो स्टार्टिंग में चर्चा में था कि व्हेन विल बिकम धाम, धाम कब बनेगा, धाम किसको बोलते हैं, धाम बनना क्या है, बड़ा अच्छा शुरू में बताया। तो वो शोभा मिलेगी धाम बनने की, वो नक्शे सिख तक देखने के बाद मिलेगी, ऐसा प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। दोनों में क्या विरोधाभास है कि मेरी बुद्धि इसको समझ नहीं पा रही, तो आप सब अगर विचार कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि हर चर्चा में किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मोती छुपा है। Everybody is looking for diamonds,
तो स्वामी जी की कौन सी चर्चा में किसको कौन सा मोती मिल जाए ये पता नहीं होता। तो हम सब सुंदर साथ जब गहराई में डूब रहे हैं, इतना प्रेम से सब चर्चा की अच्छा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नया ही निकल कर आता है। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। एक बहुत सुंदर जयश्री बहन ने लिखा है कि मिश्री का टुकड़ा है, इधर से खा लोगे मिठास तो मिल जाएगी पर मिश्री पूरी खानी है। बहुत सुंदर उन्होंने भी बताया। हाँ जी अनु दीदी, प्रणाम जी। और सुंदर साहब जी, इस बारे में सोचिएगा, इस बारे में, क्योंकि ये कल भी चर्चा चलेगी तो इस बारे में कल डिस्कशन भी करेंगे। हाँ जी अनु दीदी। मेरी तो अल्प बुद्धि ने ये कहा, सोचा है कि उन्होंने एक तरह आपको लालसा दी है कि चरणों को आप यदि दिल में बिठा लोगे तो वो इतने सुंदर लगेंगे कि आप बाकी को छोड़ना नहीं चाहोगे, आप फिर से चित्रण में जाओगे और बाकी सब देखोगे। अति सुंदर प्रणाम जी। और वैसे भी वो कहते भी हैं, वो आशिक ही क्या बार बार लिखते हैं श्रृंगार में, जो एक अंग से निकलकर दूसरे अंग की शोभा में चला जाए, उसमें अटके ना, वो आशिक की क्या। बस शुरुआत चरणों से बताई है, और फिर इंद्रावती जी इसको लिखती भी हैं कि अब मैं करूं क्या राजी, बार बार लिखवा भी रहे हो कि मैं उसमें से आशिक की क्या, कि जो उसमें से निकले है ना, मैं मुझे डूबती हूँ तो आप मुझे दूसरे अंग पर भी लेकर जाते हो, तो अब मैं करूं क्या, नमक का ढेला उसमें गलतान होता जा रहा है, अब बोले मापो भी, अब इसको मापूं क्या, कैसे मापूं इस सागर की गहराई को, पर उसको नपवाना भी है ना, तो मुझे सागर पे फिर किनारे पे लाके खड़ा कर देते हैं, हकीकत हकीकत में खड़ा करते हैं कि देख नाप इसको कितना गहरा है, फिर उसमें मैं जैसे ही नापती हूँ तो ललचाता है दिल, में डूब जाती हूँ वापस, फिर बाहर निकालते हैं, नहीं अगला वर्णन कर, अगला नपवाना है तेरे से मैंने, अब नैन कमल का वर्णन कर, अब हस्त कमल का कर, डूबने भी नहीं देते, और कहते हैं वो आशिक की क्या जो एक से निकल के दूसरे में चला जाए। तो ये बड़ी प्यारी जो भाषा उन्होंने लिखी है ना इस बारे में, बहुत सुंदर अनु दीदी, इस बारे में हम सब सुंदर साथ सहूर करेंगे और कल इसके बारे में अपने विचार भी प्रस्तुत करेंगे, और मीठे और प्यारे। आप सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो कह ये रहे हैं कि वैसे तो कहते हैं कि चरणों से ही, चरणों में ही संपूर्ण परम धाम है, और वैसे कहते हैं नख से शिख तक जब तक अपने दिल में उतारोगे नहीं तब तक संपूर्ण परम धाम आपके दिल में आएगा नहीं, तो इसमें क्या राजी ने ये छुपा के रखा हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।